लखनऊ के सहकारिता भवन में बहुजन समाज दल कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें बहुजन समाज दल के कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने भाग लिया। बहुजन समाज दल द्वारा भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करने के लिए जानकीपुरम से टेढ़ी पुलिया पैदल मार्च आयोजित किया गया। पैदल मार्च जानकीपुरम टेढ़ी पुलिया से कपूरथला परिवर्तन चौक कैसरबाग चौराहा होते हुए सहकारिता भवन विधानसभा चौराहे पर समापन किया गया। कार्यकर्ता सम्मेलन में बहुजन समाज दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुखराम गुरुजी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी गरीब लोगों का विकास का काम कर रही है और गरीबों को सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है। इस बार 400 के पार के साथ भाजपा जीत दर्ज करेगी। बहुजन समाज दल दलित समाज को जोड़ने का काम कर रही है, जिसमें दलित समाज को विकास के कार्यों में आगे बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। बहुजन समाज दल के सभी कार्यकर्ता जमीन पर कार्य कर रहे हैं और इस बार 400 पार का जो नारा दिया है उसे वह पूर्ण करके दिखाएगी। बहुजन समाज दल के द्वारा भारतीय जनता पार्टी को इसलिए समर्थन किया गया है, बहुजन समाज दल चाहता है कि गरीब लोगों को आवास मिले, मकान मिले, पेंशन मिले और जो तमाम सरकारी योजनाएं हैं वो गरीब लोगों तक पहुँचे। इसलिए बहुजन समाज दल ने आज पैदल मार्च के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का काम किया। कितना फायदा मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को आपके जो समर्थन आप दे रहे उससे? देखिए, हम सभी प्रेस के बंधुओं के माध्यम से ये बता दें कि उत्तर प्रदेश में, हम ये एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में दलित आबादी 22% है और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। जो आदरणीय आज मोदी जी ने एक नारा दिया है, अब की बार 400 पार ये नारा साकार होगा और मैं समझता हूँ यदि भारतीय जनता पार्टी ने बहुजन समाज दल के नेताओं को मंच पर अपने शामिल करने का प्लान बनाया या यदि सहमति बनी तो जो तमाम लोग आज इंडिया गठबंधन में अपने आप के लिए जीत मान करके चल रहे हैं, जिसमें मैं एक नाम बार बार लेता हूँ चंद्रशेखर आजाद जैसे व्यक्ति का या अन्य कोई जो अपने आप को दलित हितैषी समझते हैं, हम उनको मूंगी खिला देंगे और हम उनकी जमानत जब्त करा देंगे। और हम ये बताना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से कि हम चंद्रशेखर आजाद को लाशों पर राजनीति नहीं करने देंगे। चंद्रशेखर आजाद दलितों की हत्या करवा रहा है, चंद्रशेखर आजाद दलितों को मरवाने का काम कर रहा है, चंद्रशेखर आजाद उपद्रव फैलाने का काम कर रहा है। चैनल देशभर दिन न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।